हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारी यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे रविवार 12 मई 2019 को हैदराबाद के राजीव गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम में मुंबई और चेन्नई के बीच खेले गए वीवो आईपीएल के फाइनल मैच की। दोस्तों, मुंबई और चेन्नई के बीच खेला गया यह मैच काफी रोमांचक देखने को मिला। इस मैच में मुंबई ने टॉस जीता और पहले बल्लेबाजी का फैसला किया। बल्लेबाजी करने उतरी मुंबई की सलामी जोड़ी डीकॉक और रोहित शर्मा ने पहले विकेट के लिए 45 रनों की साझेदारी की और शानदार शॉट लगाए। मुंबई का पहला विकेट गिरा 45 रनों के स्कोर पर डीकॉक का। डीकॉक को पांचवा ओवर डाल रहे शरदुल ठाकुर ने पांचवी बॉल पर एमएस धोनी के हाथों कैच कराकर आउट किया। इस मैच में डीकॉक ने 17 गेंदों पर 4 छक्कों की मदद से 29 रन बनाए। मुंबई का दूसरा विकेट गिरा 45 रनों के ही स्कोर पर रोहित शर्मा का। रोहित शर्मा को छठा ओवर डाल रहे दीपक चहर ने दूसरी बॉल पर एमएस धोनी के हाथों कैच कराकर आउट किया। रोहित शर्मा ने इस मैच में 14 गेंदों पर 1 चौके और 1 छक्के की मदद से 15 रन बनाए। मुंबई का तीसरा विकेट गिरा 82 रनों के स्कोर पर सूर्य कुमार यादव का। सूर्य कुमार यादव को 12वां ओवर डाल रहे इमरान ताहिर ने दूसरी बॉल पर बोल्ड करके आउट किया। इस मैच में सूर्य कुमार यादव ने 17 बॉलों पर 1 चौके की मदद से 15 रन बनाए। मुंबई का चौथा विकेट गिरा 89 रनों के स्कोर पर करुणाल पांड्या का। करुणाल पांड्या को 13वां ओवर डाल रहे शरदुल ठाकुर ने अपनी ही बॉल पर खुद कैच लपक कर आउट किया। इस मैच में करुणाल पांड्या ने 7 गेंदों पर 7 रन बनाए। मुंबई का पांचवा विकेट गिरा 101 रनों के स्कोर पर ईशान किशन का। ईशान किशन को 15वां ओवर डाल रहे इमरान ताहिर ने चौथी बॉल पर सुरेश रैना के हाथों कैच कराकर आउट किया। इस मैच में ईशान किशन ने 26 बॉलों पर 3 चौकों की मदद से 23 रन बनाए। मुंबई का छठा विकेट गिरा 140 रनों के स्कोर पर हार्दिक पांड्या का। हार्दिक पांड्या को 19वां ओवर डाल रहे दीपक चहर ने दूसरी बॉल पर LBW आउट किया। हार्दिक पांड्या ने इस मैच में 10 गेंदों पर 1 चौके और 1 छक्के की मदद से 16 रन बनाए। मुंबई का सातवां विकेट गिरा 140 रनों के स्कोर पर राहुल चहर का। इस मैच में राहुल चहर बिना खाता खोले दीपक चहर के 19वें ओवर की चौथी बॉल पर ड्यूप्लेसिस को कैच थमा बैठे। मुंबई का आठवां विकेट गिरा 141 रनों के स्कोर पर मिचेल मिकलेनागन का। मिचलेनागन को ड्यूप्लेसिस ने आखिरी ओवर की चौथी बॉल पर रन लेते हुए आउट किया। मिचलेनागन ने अपनी इस पारी में 7 गेंदों पर 7 रन बनाए। उसके बाद आखिरी दो बॉलों पर कैरन पोलार्ड ने 2 चौके लगाकर टीम के स्कोर को 149 रनों तक पहुंचा दिया और मुंबई को 150 रनों का लक्ष्य दिया। इस मैच में पोलार्ड ने 25 गेंदों पर 3 चौकों और 3 छक्कों की मदद से शानदार 41 रन बनाए। 150 रनों के लक्ष्य का पीछा करने उतरी चेन्नई की सलामी जोड़ी ड्यूप्लेसिस और शेन वॉटसन ने पहले विकेट के लिए 33 रनों की साझेदारी की। चेन्नई का पहला विकेट गिरा 33 रनों के स्कोर पर ड्यूप्लेसिस का। ड्यूप्लेसिस को चौथा ओवर डाल रहे करुणाल पांड्या ने आखिरी बॉल पर डीकॉक के हाथों स्टंप कराकर आउट किया। इस मैच में ड्यूप्लेसिस ने 13 गेंदों पर 3 चौकों और 1 छक्के की मदद से 26 रन बनाए। उसके बाद तीसरे नंबर पर बैटिंग करने आए सुरेश रैना ने वॉटसन के साथ मिलकर दूसरे विकेट के लिए 37 रन जोड़े, लेकिन सुरेश रैना ज्यादा देर तक नहीं टिक सके और 70 रनों के स्कोर पर आउट हो गए। सुरेश रैना को 10वां ओवर डाल रहे राहुल चहर ने दूसरी बॉल पर LBW आउट किया। इस मैच में सुरेश रैना ने 14 गेंदों पर 8 रन बनाए। चेन्नई का तीसरा विकेट गिरा 73 रनों के स्कोर पर अंबती रायडू का। अंबती रायडू को 11वां ओवर डाल रहे बुमराह ने तीसरी बॉल पर डीकॉक के हाथों कैच कराकर आउट किया। इस मैच में रायडू 4 गेंदों पर केवल 1 ही रन बना पाए। पांचवें नंबर पर बैटिंग करने आए एमएस धोनी भी 8 गेंदों पर 2 रन बनाकर आउट हो गए। धोनी को ईशान किशन ने 13वें ओवर की चौथी बॉल पर रन आउट किया। उसके बाद छठे नंबर पर बैटिंग करने आए ब्राव ने वॉटसन के साथ मिलकर शानदार शॉट लगाते हुए पांचवें विकेट के लिए 51 रनों की साझेदारी की। चेन्नई का पांचवा विकेट गिरा 133 रनों के स्कोर पर ब्रावो का। ब्रावो को 19वां ओवर डाल रहे बुमराह ने दूसरी गेंद पर डीकॉक के हाथों कैच कराकर आउट किया। इस मैच में ब्रावो ने 15 गेंदों पर 1 छक्के की मदद से 15 रन बनाए। चेन्नई का छठा विकेट गिरा 146 रनों के स्कोर पर वॉटसन का। वॉटसन आखिरी ओवर की चौथी बॉल पर रन लेने की कोशिश में करुणाल पांड्या द्वारा रन आउट कर दिए गए। इस मैच में वॉटसन ने 59 गेंदों पर 8 चौकों और 4 छक्कों की मदद से शानदार 80 रन बनाए। उसके बाद आठवें नंबर पर बैटिंग करने आए शरदुल ठाकुर ने आखिरी ओवर की पांचवी बॉल पर 2 रन लेके टीम के स्कोर को 148 रनों तक पहुंचा दिया, लेकिन मलिंगा द्वारा उनको आखिरी बॉल पर LBW आउट कर दिया गया और मुंबई ने यह मैच 1 रन से जीतकर IPL के खिताब को अपने नाम कर लिया। IPL से जुड़ी जानकारी पाने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल को और साथ ही दबाए नोटिफिकेशन बेल आइकन को।